असलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ओपिनियन में अली काज़ी में भलीकार आऊँ आया यासिर अहमद हमको स्टूडियो में ज्वाइन करता सीनियर तज़ियाकार अली काज़ी साहब, वेलकम अली साहब। थैंक यू। जब जो कल ऐसा पे गाल हल पी तो एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ अणदुर थी वही वो उन कनेक्टेड अचे पो तो सेनेट जहाँ इलेक्शन ढा वेझो पीपुल्स पार्टी क्लेम करे थी पी अस सरप्राइज डींदास वे अठोस तो बलोचिस्तान में भी पीटीआई खिलाफ आवाज़ उथन थी प्यूँ। बलोचिस्तान जो बलोचिस्तान जहाँ लीडर पीटीआई जहाँ मेंबर भी अगुणा सदर भी रहा बलोचिस्तान चैप्टर जहाँ यार मोहद्रीन साहब वरी उन शिकायतों कहूँ तो प्राइम मिनिस्टर साहब अचे तो असा तो मिले भी को पंजन मिनट जो टाइम भी को असा मुशावरत भी न कई वी उनको चवण तो 3 मार्च ते असरात पवंदा न सिर्फ बलोचिस्तान की सियासत ते पर मुल्क की सियासत ते वरी एडो सिंध में भी लियाकत जतो हिसाब थी वेठा है। ओवरऑल मुल्क की जका सियासत है इक्तदारी सियासत है इनमें हैपनिंग्स तो थियन पियो शयूं हिलजुल शुरू थी वही है तोड़ फोड़ जो लफ्ज़ तो फिलहाल 3 मार्च से पा चई सी तो इक्तदारी सियासत में या सिर्फ बंदियन में तोड़ फोड़ थी वही है लेकिन उन तोड़ फोड़ लाए या उन इंतशार लाए सिर्फ़ बंदी में तब्दीली जी शयूं जी 3 मार्च का चिट्ठियों थन्दी पर उन कोशिशों तमाम तेज़ी से जारी हैं जो इन सजे इक्तदारी सेटअप के 2.5 साल स्टैटस को बरकरार थल हो तो खान साहब की हुकूमत उन इतिहादी उन MNA उन MPA सब ये जामिद थे बीठा ज़ाहिर उन्हें जो बॉन्डिंग फोर्स हुई या उन्हें जो जोड़े वेठी हुई जो कुवत जोड़े वेठी ही ज़ाहिर पा सब समझूँ था तो ज़ाहिर सगारा हल्का सगारी कुवतू एस्टैब्लिशमेंट जो तुम चवण चाहो लेकिन हाँ जे एस्टैब्लिशमेंट ज़ाहरी तरह पीपल्स पार्टी चवणी तो वह अणधुरी थी वही है या पासीरी थे पी या खुद कल राणा सनाउल्ला जो नवाज़ लीग वारा बन कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी चयो तो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अणधुरी थे पई थी वही है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चवानी तो अणधुरी थी वही है। राणा सनाउल्ला साहब जो नवाज़ लीग जहाँ तमाम वोकल अगवान उन्हें भी चयो कल नवाज़ लीग के अगवान तो ही जो डस्का इतने साल इलेक्शन्स में पंजाब में बाई इलेक्शन्स में इब्तदाई तौर पर यानी शुरुआती मरहले में पेरायती अंदाज में लगे न थो तो एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व हुई यानी चे पो तो हि जो कुछ डस्का में थो है जी कल मू अणसीधी तरह चयो पे राणा सनाउल्ला सीधी तरह चयो है तो ये लोकल पुलिस SP DC ये इन्हों कारनामो आ एस्टैब्लिशमेंट जो है बाय इलेक्शन्स में इन्वॉल्व न हुई। सो पीपल्स पार्टी जहा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चवन पाया तो अणधुरी है एस्टैब्लिशमेंट आई नवाज़ लीग जहाँ राणा सनाउल्ला तकरीबन चवन पे घट में घट बाय इलेक्शन्स में अणधुरी रही है एस्टैब्लिशमेंट तो हि वो इंडिकेटर है तो मुझ अर्ज कर पे 2.5 साल में जो सजे सियासी सिस्टम के जो एक जमूद तारी हो स्टैटस को जारी तारी हो अपोजिशन की समूरी कोशिशों नाकाम थी पे उनको सबब यो हो तो हुकूमती धुर PTI सरकार से गड उनके जोड़े रखने वाली कुवत पसे पर्दा मौजूद हुई पर अगर वो हाँ अणधुरी थी है तो जाहिर है न पो पीपल PTI में वह सकत ना है जो वो पान के बरकरार रखी सके इन सजे इक्तदारी इस रिश्ते के खास तरह सेनेट जड़े या नो कॉन्फिडेंस जड़े मरहले में अगर सुभाने थे थी पार्लियामेंट में तो पान के यार सरदार यार मोहद्रीन साहब भी गालाइंदे नजर इंदा पान के लगारी साहब होता पंजाब में भी गालाइंदे नजर इंदा MPA पान के लिया जतोई साहब भी गालाइंदे नजर इंदा थी सके तो सुभाने तक गुजरात या चौधरी भी गालाइंदे नजर अचन थी सके तो या MQM भी गालाइंदे नजर अचे GDA वारन जी नाराज़गी भी तहां जे सामू आन पो ही थोड़ी सवायूं थींदी वेंदियूं गालियूं खुलंदी वेंदियूं अगर ये खुलंदी वयूं शयूं सिग्नल्स ये आया हिनन वट त सही मर्ज़ी अथव पांजो डिसीशन अथव पांजो डिसीशन आए तो पांजे डिसीशन में कई धुरियों पो शायद न बीह सकन PTI सा खुद PTI जब मैं सरदार यार मोहद्रीन को PTI जो वोटन से बलोचिस्तान में कौन खटी है वो तो एक कबायली सिस्टम है बलोचिस्तान जो सो जाहिर 3 मार्च उन पान के आऊँ हमेशा चाहें तो ताकि 3 मार्च से यो बिल्कुल चिट्टो अंदाजो थी वो तो PTI के जी गैबी मदद हुई वो अन्या बरकरार आ या ना बरकरार है या ना ठीक है सब कॉलर नसल अगर फकीर मीर हसन कांदड़ो गंबट मां जी कांदड़ो साहब छा चवण चाहिंदा उन ते बिलावल साहब मुराद भी शाह छो खामोश
ऐं ॿियो मुंहिंजो सुवाल इहो आहे हिन वक़्तु जीडीए जी जेका क़यादत आहे ख़ुदि ऐं जीडीए जी क़यादत जे उन जेको हल्के सां तालुक रखंदो त उहे बि सिंध जे सां अनेक सालनि मथे वेंदे आख़िर छो ख़ामोश ईंदे सो हिन में ऐं अलीकर साहिब हिन खां नंढो सुवाल कयो आहे सो महिरबानी थींदी अगरि मुंहिंजे सुवाल जो सही तरीक़े सां जवाबु ॾींदा त पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट ऐं जीडीए क़यादत सिंध जे अनेक सालनि मसलनि ते खोड़ सारा मसला आहिनि सिंध में छो ख़ामोश आहिनि छा थी चवंदी छा उन कांदू साहब हाणे सवाल इहो आहे त सिंध जे कहिड़े मसलनि जो तव्हां ज़िक्र कयो पिया सिंध में मजमूई तरह ॿ क़िस्म जा मसला आहिनि हिकिड़ो हिते जेको इंफ्रास्ट्रक्चर आहे सिंध जी गवर्नेंस आहे सिंध में बेरोज़गारी आहे सिंध में रोड रस्ता न आहिनि इहे सभु शयूं आहिनि इहे अनेक मसला आहिनि इन ते पीपल्स पार्टी छा ॻाल्हाए ऐं कंहिंजे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाए पंहिंजे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाए पंहिंजे ख़िलाफ़ु त कोन ॻाल्हाईंदी न सो इहो छा हिन मसले ते अच्छा हिन मसले ते जी डी आर ॻाल्हाईंदा रहंदा आहिनि असेंबली में हिते हुते त भई हीअ रोड ख़राबु आहे हीअ गवर्नेंस ख़राबु आहे हिते आहे हुते आहे अगरि त तव्हां चओ पिया त जेके सिंध खे वफ़ाक सां इशूज़ आहिनि मिसाल असांजे ॿेटनि जो इशू आहे मिसाल पाणी जो इशू आहे मिसाल नाणे जो इशू आहे एन एफ सी अवॉर्ड जो मसलो आहे त उन ते त सिंध हुकूमत गौड़ कंदी आहे उन ते त आवाज़ु उथारींदी आहे सो अगरि तव्हांजो इशारो गंबट जे कंहिं स्कूल ऐं तालीमी इदारनि या कंहिं ॿिए ॾे इशारो आहे तव्हांजो रोड रस्तनि ॾे आहे त उन लाइ सिंध पीपल्स पार्टी छा सिंध हुकूमत खे असां ॻाल्हाईंदी सिंध हुकूमत खे हिते आवाज़ु थोरी उथारणो आहे उहो त हुकूमत आहे हुनखे त ठीकु करणो आहे बाक़ी अगरि इशारो इहो अथव त जेको मर्कज़ सां इशूज़ आहिनि उन त हींअर एन एफ सी अवॉर्ड ते बि सिंध हुकूमत ॻाल्हायो आहे ऐं ॿिए जेका ॻाल्हि हुजे सो नेक्स्ट टाइम सी ॿुधाइजो त कहिड़े मसलनि ते केरु कंहिंखे आवाज़ु उथारणु खपे बाक़ी जी डी ए लाइ त जी डी ए ज़ाहिर वफ़ाक जी पार्टी शामिलु आहे वफ़ाक सां त हू वफ़ाक जे फ़ैसिलनि जे ख़िलाफ़ु त उहे न ॻाल्हाईंदी लेकिन सिंध जे मसल जेको सिंध जा जेके मतिलबु हिकिड़ा आम रोज़मरह में जेको पाण सभु भोगियूं था महांगाई आहे ॿियूं शयूं आहिनि उन ते सभई ॻाल्हाइनि था हीअ बि ॻाल्हाइनि था ठीकु आहे साहब अच्छा जीअं पाण ॻाल्हि कई सेनेट इलेक्शन जे हिसाब सां त हिते ॿ हिकिड़ा नंढा सवाल अचनि था हिकिड़ो त जीअं तव्हां हमेशह चवंदा आहियो त परसेप्शन इज़ ग्रेटर देन रियालिटी त पोइ थी सघे थो त को अहिड़ो हुजे त इहो इल्यूजन हुजे त एस्टेब्लिशमेंट साइड ते थी वई आहे इहो इल्यूजन बि त थी सघे थो ऐं ॿियो हिकिड़ो नंढो सवाल अगरि रखूं था असां त अगरि ईअं ई जीअं मिसाल तव्हां चयो त फिशर्स साम्हूं ईंदा ऐं सेनेट इलेक्शन खां पोइ थी सघे थो त पार्टियूं जेके आहिनि उहे गॾु न बीहनि अगरि हुनखे खुली छूट ॾिनी वई त तव्हां जेको आहे पंहिंजो डिसीजन पाण वठो त पोइ ईअं त तक़रीबन जेको अगरि सोचियो वञे त सभु पार्टियूं जेके आहिनि उहे साइड ते थींदियूं नज़र ईंदियूं पी टी आई खां त पोइ त हलचल तमामु घणी मची वेंदी न हाणे ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां हिकिड़ो त मुंहिंजो चवणु कोन्हे अंग्रेज़ी जी चवणी आहे त पर हुन में इट्स नॉट के परसेप्शन इज़ ऑलवेज लार्जर देन रियालिटी समटाइम्स परसेप्शन इज़ लार्जर देन सो समटाइम्स जी ॻाल्हि आहे कॾहिं कॾहिं परसेप्शन जेको आहे उहो रियालिटी जे वेझो बि हूंदो आहे समटाइम्स परसेप्शन जेको तासुरु हूंदो आहे उहो हक़ीक़त खां वॾो हूंदो आहे हाणे हीअ जेको तव्हां ॿी ॻाल्हि कई त तव्हांखे ईअं अंदाज़ तव्हांजो अंदाज़ो इहो चए थो त अगरि सुभाणे एस्टेब्लिशमेंट अणधुरी थी वई त जी डी ए एम क्यू एम बाप हीअ सभु जेके पार्टियूं आहिनि या चौधरी क्यू लीग वारा इहे तव्हांजे ख़्याल में छॾे वेंदा पी टी आई खे वल ज़ाहिरी तरह हा बि ऐं न बि छाकाणि त क्यू लीग अगरि छॾे पी टी आई खे ऐं नवाज़ लीग हुनखे न क़बूले त क्यू लीग किथे वञे जीअं को फ़ाइदो बि न ठीकु अच्छा जी डी ए पी टी आई खे छॾे ऐं पीपल्स पार्टी हुनखे न क़बूले सिंध में त जी डी ए किथे वञे जीअं सो क्यू लीग जी डी ए पीपल्स पार्टी ऐं अगरि हुनखे को ग़ैबी हाणे हिन दफ़े ग़ैबी मदद हुन पासे हली वञे हा अहिड़ो को वरी हिकिड़ो इतिहाद मुल्क में जुड़ी वञे जंहिंमें हिन दफ़े पी टी आई खे हटाए पीपल्स पार्टी खे हुनजी जाइ ते विहारे छॾिजे हीउ हिकिड़ो फॉर्मुलो डिस्कस थिए हेठि अचे थो इहो केतिरो मुमकिन थींदो हुन ते अलॻि बहस आहे सो इहो बि अञा ॾिसणो आहे त क्यू लीग अगरि वञे ऐं नवाज़ शरीफ पी टी आई खे साथ छॾे ॾे त क्यू लीग खे नवाज़ लीग बि त क़बूल आहे न पंजाब में अगरि न क़बूल ईंदी त क्यू लीग जो वरी फ्यूचर छा आहे हींअर घटि वटि हुकूमत में भई स्पीकर स्पीकर ॿ टे थोरो दाबा साबा ॾेई कमु त कराइनि पिया ठीकु आहे सभु कॉलर सां गॾु मोहम्मद यूनिस लुंड बदीन मां जी लुंड साहिबु छा चवणु चाहींदा त पी टी आई गवर्नमेंट वफ़ाक में पंजवीह अढाई सालनि में अवाम खे को बि रिलीफ न ॾेई सघी आहे साईं तव्हांजो अंदाज़ो छा आहे इहा अञा पंज साल पूरा कंदी या विच में हिन अवाम सां इहा शाम त टारंदी या न ऐं इहा थियो वफ़ाक जे हिसाब सां असांजो सुवालु आहे ऐं उनखां ॿियो नंबर असांजे सिंध गवर्नमेंट जेके अलीकाल साहिब खे चवे हुनखे थोरो
सिंध गवर्नमेंट के बाराड़ी के इलाकन के लिए मुतवजह कयो वञे तां जे बाराड़ी के इलाकन के माण्हुनि जा को भी मसला नथा थियनि। उन्हनि जा रोड आहिनि, रस्ता आहिनि, पीअण जे पाणी आहिनि, या जेके बुनियादी मसला आहिनि उन्हनि में अॼु बि उहे बाराड़ी जा माण्हू जेके आहिनि उहे अॼु बि मुश्किलातुनि में आहिनि। उन्हनि जो को मसलो हल नथो थिए। उनजे लाइ असां अली खाली साहिब थोरो करे ठीकु आहे। अलून साहब, पंज साल अढाई सालनि में छा थींदो, इहे त को वरी ढारो कंहिंखां कढरायो त उहो तव्हांखे ॿुधाए सघंदो, पर जीअं हले थो किसो, उहो इहे कीअं अढाई साल हलंदो, इहो थोरो ॾुखियो आहे त हे के मतिलबु अहिड़ी अफ़रा तफ़री हुजे, बेयकीनी हुजे ऐं कुझु थिए बि न, इहो मुमकिन कोन्हे। थर्ड मार्च ते पाण खे अंदाज़ो थी वेंदो, अगरि यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद जी सीट खटे वियो त पोइ सम्झो त खान साहब जी हुकूमत बि पोइ हली न सघंदी। पोइ चाहे हुनखे आख़िरी धिको लॉन्ग मार्च जी सूरत में लॻे, आख़िरी धिको जेको आहे इस्तीफ़ान जी सूरत में लॻे, या नो कॉन्फिडेंस जी सूरत में लॻे। छाकाणि त पीपल्स पार्टी ऐं कुझु पार्टियुनि जो ॿियनि जो ख़्यालु आहे त फ्रेश इलेक्शन न थियनि, जीअं इन हाउस चेंज थी वञे, असीं छो सिंध हुकूमत छॾियूं। बल्कि ख़्वाहिश पीपल्स पार्टी जी इहा हूंदी त सिंध हुकूमत बि बरक़रार रहे अढाई साल, वफ़ाक पे बि को हिसो पती मिली वञे त कमु चमन थी वञे, ऐं अढाई साल असीं वरी अञा कढी वठूं इलेक्शन, अॻिली इलेक्शन लाइ कमु करे वठूं, अञा कमु करे वठूं। सो नवाज़ शरीफ जो वारनि जो ख़्वाहिश आहे त न इलेक्शन थिए, छाकाणि त हींअर हुननि खे ख़बर आहे त हुननि जो ग्राफ तमामु मथे आहे पंजाब में। हींअर अगरि इलेक्शन थी वियूं त पंजाब खे हू मतिलबु ठीकु ठाक हुन मां रिज़ल्ट कढी वठंदा, पर अढाई साल जो वरी वक़फ़ो अची वियो ऐं नवाज़ लीग खे, त पोइ नवाज़ लीग लाइ, सो नवाज़ लीग वारनि जी बेसिकली ख़्वाहिश आहे, मौलाना फज़ल रहमान जी यकीननि ख़्वाहिश हूंदी त पहिरीं जल्दी इलेक्शन थियनि, पीपल्स पार्टी जी ख़्वाहिश हूंदी त इलेक्शन न, इहो ईअं ई हले अढाई साल, ऐं वफ़ाक में बि कुझु हिसो मिली वञे, कमु जीअं मूं चयो त चमन थी वञे। सो बाक़ी साईं ॻाल्हि कई त बाराड़ी जे इलाइक़नि, सही शहरनि में लुन साहब बदीन चमन थी वियो आहे, छा तव्हांखे बाराड़ी जो शहरु आहे न बदीन, पोइ बदीन में छा पीअण जो साफ़ु पाणी तव्हांखे मिले थो छा? हुते बि तव्हां ख़रीद कंदा हूंदव या उॿारींदा हूंदव पाणी, या किनो पाणी शहर जा माण्हू पीअंदा हूंदा। सो असां वटि ईअं नाहे त रुगो बाराड़ी सां महिरबानी आहे, शहरनि में बि हाल पूरो आहे, चाहे बदीन हुजे या लड़काणो हुजे। ॻाल्हि साॻी आहे ॿिनि तरफ़, ठीकु आहे साहिबु। कॉलर असां गॾु आफ़्ताब मीराणी हैदराबाद मां। जी मीराणी साहिबु, छा चवणु चाहींदा? मुंहिंजो सवाल आहे रिलेटिड एजुकेशन जी पॉलिसीअ सां, त काफ़ी टाइम खां असां वटि सेंट पब्लिक सर्विस कमीशन जी माना अंडर में काफ़ी कमीशन वग़ैरह अनाउंस थींदियूं थी रहनि, पर अनफॉर्चुनेटली हुनजी मेरिट या ट्रांसपेरेंसीअ जो क्वेश्चन हमेशह रेज थियो आहे, पर उहो इशू एड्रेस न थियो आहे। काफ़ी अख़बारुनि में, काफ़ी कॉलम्स में, काफ़ी एस्पायरेंट्स जेके आहिनि असांजा उहे रेज कनि था, पर उहो इशू एड्रेस नथो थिए। रिसेंटली तव्हां ॿुधो हूंदो जेके हेडमास्टर थ्रू IBA थिया हुया, उहे बि सफ़र था कनि, वरी उहे रीअनाउंस थियूं, त उन्हनि जे लाइ का पॉलिसी केरु सर ठाहींदो या केरु रिस्पॉन्सिबल आहे उन शइ जो? छो त काफ़ी जनरेशन असांजो जेके यंग जनरेशन आहिनि उन्हनि जी एज निकिरी थी वञे, पोइ ॾाढो प्रोलॉंग ऐं डिले थो थिए कमीशन जे उन में रिज़ल्ट में या उन्हनि जी ट्रांसपेरेंसी या अनाउंसमेंट में, उन ते काइंडली अगरि तव्हां कमेंट कयो कुझु। ठीकु आहे मीराणी साहिबु। मीराणी साहिबु, अगरि तव्हां इहो मूंखां पुछो पिया त केरु ठीकु कंदो, त ज़ाहिर आहे दुनिया में इहो कमु सरकार जो आहे। असां जुडिशरी ॾे रुख कयूं था, असीं मीडिया ॾे रुख कयूं था, असीं ॿियनि इदारनि ॾे रुख कयूं था, छाकाणि त असां शायदि उमेद पले वेठा आहियूं त इहो जेको सरकार खे कमु करिणो आहे उहो सरकार कंदी। असीं सम्झूं था सरकार त कंदी कोन, पोइ हलो मीडिया जे साम्हूं, प्रेस क्लब जे साम्हूं एहतिजाज कयूं था, जुलसू मीडिया में गोड़ कयूं था, या पिटिशन वञी अदालत में दाख़िल कयूं था। अदालत बि आख़िर में छा थी करे? अदालत बि आख़िर में हुकुम करे थी सरकार खे त बाबा ठीकु कयो। सो कमीशन जो हाणे ई इशू थी पियो आहे। ॿी ॻाल्हि जेका ज़िमनी ॻाल्हि सां ई कई, कमीशन जो त इशू इहो थी वियो आहे, पब्लिक सर्विस कमीशन जी ॻाल्हि, हुनजो त हाणे क्रेडिबिलिटी जो इशू थी पियो आहे न, साख जो। हाणे हिनजी एतिरी ट्रांसपेरेंट ऐं एतिरी प्रॉपर हुनजी अपॉइंटमेंट्स हाणे थियनि, जंहिं ते माण्हुनि खे वेसाह अचे, छाकाणि त हिकिड़ो दफ़ो हिकिड़ो इदारो मशकूक थी वञे थो त पोइ उनखे वापसि उनजी साख बहाल करणु, ट्रस्ट बहाल करणु वॾो मसलो थिए थो। ऐं चइबो आहे त क्रेडिबिलिटी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, त तव्हांजी जेका साख आहे उहो तव्हांजे लफ़्ज़नि खां मथे हूंदी आहे। कुझु इदारा हूंदा आहिनि जेके जिन्हनि खे चवण जी, मिसाल प्राइवेट इदारो सतार ईदी अला मक़फ़रत करे मरहूम जी, हुनखे चवण जी ज़रूरत न हुई त पैसनि में बेईमानी नथो कयां,
मुझी साख एतरी हुई तो ये कें जमाने में असा ही इदारा हुंदा हा जिनकी मानू परपुठ भी असें खबर भी न होंगी चेयरमैन केर है मेंबर केर है पर चबो तो न यार ही इदारों इत गड़बड़ नींदी पर अनफॉर्चुनेटली डिटारिएट थो है डिटारिएट थो है जो इनतात थो है उन तनजुली थी है इन इदार की साख की कारकर्द साख छो खराब थी है जो उन्होंने अमल अड़ा थे के ठीक कह इन शॉर्ट मीराणी साहब सरकार कह ठीक है साहब अच्छा पा अगर उन मोटी अचो गाल्ते जी तल कई तो काफलीक जी सवाल अचे तो काफलीक के जो वो अगर पी एम एल एन एक्सेप्ट नी करे तो मतलब उनको फायद आ अगर पीटीआई का इतना छे थी तो अगर जी तल कई तो पीपुल्स पार्टी के वह चमक नजर थी अचे और पीपुल्स पार्टी की नजर तो अचे तो शायद असं वह शे हासिल कर वूँ तो माना जाना कना असा होने भी हिस्सों पति मिली वे हेडे भी गवर्नमेंट हुए तो वह तो काफलीक के एडजस्ट कर सी पीपुल्स पार्टी जालुक तो काफलीक से सर मुझा लेकिन गाल यह है पीटीआई के भी नाराज कर छो कढ़ी नवाज लीग भी अगर नए सेटअप के कबूल न करे तो नंबर गेम में भी ना पीपुल्स पार्टी ए क्यू लीग गजी हुकूमत ठा सकन जो मुल्क में खल्फशार है शोर गुल है वो किथे वो जी टी रोड जो नरेटिव किथे वो इतिहाद भी आज पीडीएम में न तहां चो था तो पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट करे वठे क्यू लीग के पीपल्स पार्टी अगर एक्सेप्ट करे भी वठे थी अगर नवाज लीग नथी करे मसलो पीपल्स पार्टी की एक्सेप्टेंस हो तो पीपल्स पार्टी तो अखियन से कबूले वठंदी पीपल्स पार्टी तो शुरू में इन ही काफ लीग के कातिल लीग चयो पो उन्ही चौधरी परवेज इलाही साहब के पीपल्स पार्टी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो होदो जो हुंदो ही कोने जो हुंदो ही नहीं ओहो ठाए छियो सो पीपल्स पार्टी में तो काफी लचक है माशाल्लाह नवाज लीग की लचक जो मसलो आ ना इन वक्त सर मसलो यो ही तो नवाज लीग में लचक अचे थी केतरी अचे थी ठीक है साहब अच्छा साहब अगर पाँच इलेक्शन जो कल भी असा गाल कई डस्का इलेक्शन में तो नून लीग वाले जो वो दिखारे असं पंजाब में किए उन्होंने जो बई सीटू तकरीबन धोए छूँ जेस तीन कम हल सही हले पो तो अज जो रिपोर्ट सबमिट कराई आर ओ जो इलेक्शन कमीशन में उन बज़ाहिर यो ही नजर अचे तो पो तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उन टेम्परिंग की का हरकत कई है वो बैलेट बॉक्सिस तो उन्होंने चवण तो वी पोलिंग स्टेशन से जो वो तुम इलेक्शन बीहर कराया पर जैसे नून लीग जो वो सिरे से रिजेक्ट कर नून लीग चुना न वीएन पोलिंग स्टेशन न पर पूरे जे पूरे हल्के से थियन खे और शिबली फराज चवे तो अस वीएन पोलिंग स्टेशन वो तुम चैलेंज एक्सेप्ट किया हाँ तुम वही सजो इलेक्शन छोता चो ऐसा सरकार है सरकार वट रिसोर्स होंदा सरकार वट तो जितो उनके कम नंढो कर डिबो ए ताकतवर मांग नंढो वजन खड़ सवलो थी पे तो पूरा हल्को हों तो वही उतो ए सारी दुनिया जो मतलब नवाज लीग लाएजी होंद मैनेज कर सो सरकार जो कंदी अपोजिशन उनके इनकार कंदी वो तो थींदो ही सो लेकिन क्वेश्चन यो आए तो भाई अगर इलेक्शन कमीशन यो महसूस करे थी तो उन वीहन पोलिंग ते गड़बड़ थी आहे तो उनते रीपोल भले करायो पहिरीं उधाए तो छो तो थियो छा हो धुंध में किथे हलिया वया कोहिड़े में वो वी पोलिंग स्टेशन जा अमलो वियो किथे हो टेम्परिंग कें कई आहे बैलेट बॉक्सिस कें हेठि मथे कया आहिनि इहो आख़िर वो तो बुधायो ये रिपोर्ट ना है बस जो तो अठन जन सर जी देखे तहां रेमेडी किए था करे सको जेस तई तहां जो आए उन जिम्मेवारी केते नथा वेजो भाई केते ते तहां जिम्मेवारी वेजंदो ना तो भाई हनन मानन ही गड़बड़ कईया ही हन रीत कईया लिहाजा असी हनके वापस ठीक करण लाए हनजी रेमेडी या है तदारुक यो कयो था त हनजी बेहर इलेक्शन कराए तो ता चो उन गाल के छड्यो तदारुक पेरी बा बुधाय भाई कॉज तो बुधायो कॉज बुधायो पो उनके एड्रेस कयो ना तहां सबब तो बुधायो त उ उन वीहन पोलिंग ते के गड़बड़ कई हे तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर लादा जवन त प्रेजाइडिंग ऑफिसर बुधाए ने छकी गड़बड़ थी है प्रेजाइडिंग ऑफिसर छ मतलब बुधाई तो को छ के ने बुधाई तो जिन मा इन रिपोर्ट में यो चवा त अठन जण यो चवा त अस जको दम में फासी पिया अठन जण यो चवा त अस जो व्हाट्सएप डाउन थी होयो तने के सारा अब तो दाल न कर सके अच्छा अगर हु हुनन जी गाल सही आ त पो रीपोलिंग की जरूरत के ओ तो जरूरत की जरूरत ही ना मना इलेक्शन कमीशन जी गाल ते एतबार न पी करे ना जी आनी त का इंक्वायरी छण खपे ना जी उनन खा पर सीधी रीत न था बुधाई त बे रीत पुछण खपे ना जी हां वो पुछो ना था चो तो बस रीपोलिंग कराए जो मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ वो तो धंधो अस मुल्क में तदे ही तो वरी बार बार यो थे तो ना एक दफो मिट्टी पाओ पॉलिसी खत्म करण खपे ठीक है एग्जाम्पल सेट करण खपे ठीक है साहब कॉलन असल अगर दिलदार थेबो दिलबर थेबो नगर पाकर में जी थेबो साहब छा चवण चाहिंदा साईं असांजो सुवाल इहो आहे त पीपल्स पार्टी वारा जाम ॻाल्हि कनि था
असा सा जाम थरपारकर के लिए कहते पीटीआई इल्जाम जाम हणन था थरपारकर में गवाही खोज पर बारड़ा सोच थी रहा उनका 2800 रुपया मण अतो हली रो है कुत्ते की वैक्सीन नी मिले यो कड़े कदर गाल कि आई ठीक है थेबो साहब तहां चो था ते कुछ न कयो नगर पाकर ने हिय ट्यूनी इलेक्शन में जो है 53,000 वोट वधिक दिना है पीपल्स पार्टी 50% वधिक वोट 100% उन की 50 पे इनका लिख लख पे जी हां जी हां सो कमाल था कन तहां थेबो साहब चो था ते पीपल्स पार्टी कुछ न कयो नगर पाकर जो वोट खणी दिसो वो इतरो शानदार मैंडेट दे जाहिर कारकर्दगी जी बुनियाद ते बोलदो हो ना जी हां जी जाहिर 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 ठीक है सब कॉलर नजर अगर डॉक्टर अहमद लगारी हैदराबाद में जी डॉक्टर साहब चाचवण चाहिदा सर अस्सलाम वालेकुम कई साहब के सलाम वालेकुम कल गिलानी साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर बयान दिनो है त मके ये नजर पे अचे त जेका एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल पे थिए है वो उन जेका सपोर्ट्स है उन टिल्ट टुवर्ड्स पीटीआई है वो घट दो पे वने त यो अनलाइकली है त एक्स प्राइम मिनिस्टर इन किस्म जो बयान है अनलेस उनके का साइंस न मिलया होजन साई जो इन ओपिनियन है तो यो डेलिब्रेट है या कि इशारे तो यो बयान दिखो है साई ठीक है विद अ स्मॉल करेक्शन डॉक्टर साहब यो न चयो आ गिलानी साहब तो ये थींदे नजर अची रहे उन्होंने फॉर सर्टन मतलब श्योरिटी से चयो आ ये थी वियो आ एस्टैब्लिशमेंट गैर जानबदार थी वई आ संदस राय मूजब सो एक सर्टनिटी मौजूद है स्टेटमेंट में गिलानी साहब जो उनको अभाम ना है थी नजर अच्छी ये ना है स्ट्रेट चाहिए था सही गिलानी साहब एज यू राइटली सेड के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं सीजन मानू हैं आई हुनन के कल भी प्रोग्राम में चाहिए तो यह गाल हुनन के पांचे मुशाहिदे तो दिठी होंगी ना उनन के तोड़ जोड़ में हिते होते एमपी एमएनएस की तोड़ जोड़ जाए जो कुछ पांचो जाती तजुर्बो के हों तो उहे मानू जेके सिग्नल्स का सवाल लुनंदा ना हुआ गिलानी साहब के घर घुराए अगर चाय प्यारे रहा हूँ या मानी खराए रहा हूँ तो गिलानी साहब समझू मानू आ तो यार कल तक तो फोन न खड़ो आज घर घुराए मानी पे खराए तो मानू जो सब क्या खबर पवती है नोटिफिकेशन तो जारी न थी ये न्यूट्रल थी या हि हाँ धुर थी एक्शन स्पीक्स न अमल बुधाईंदा हाँ गाल यह है इो चवण लाइ अगर डॉक्टर साहब यो पुछण चाहन पाया यो गिरानी साहब के बयान दियण छो दिनो कें चयो तो बयान दे यस डेफिनेटली डॉक्टर साहब स्लिप ऑफ टंग तो ना है ये जुबान थिड़ी न वही है गिरानी साहब सोचे समझे यो बयान दिनो हों अच्छा यो बयान गिलानी साहब जो पीपल्स पार्टी की गुजरल तुम अगर एक सवा महीने का दिसंद लगारी साहब तो एक डेढ़ महीने का यह स्टेटेड पॉलिसी है नॉट स्टेटेड लेकिन पीडीएम के इजलास में हर हंते यही खबर इंदी तो पीपल्स जरदारी साहब पीपल्स पार्टी इन राय जो हुआ एस्टैब्लिशमेंट हाँ गैर जानबदार इलेक्शन में मिलने बिन्हीं इलेक्शन में जाहिर सो उनके पहली फीलिंग हुई इन्फॉर्मेशन होंगी सिर्फ फीलिंग गट फीलिंग न होंगी पीपल्स पार्टी लीडरशिप वो इन्फॉर्मेशन भी होंगी तो एस्टैब्लिशमेंट स्पेस दे पी लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट के हाँ छजे असल टारगेट दे वजे सो हाँ इो आउं नथो चई सका तो उनके कें फोन कर गिलानी साहब के चयो होंदो पर गिलानी साहब की जाहिर इो स्टेटमेंट जो है जेस्चर तौर वो होंदो जिके अणधुरिया थिया हैं हुनन इो हू भी तो चाहिंदा हूं तो हुनन जे हिन अणधुरे थियण के केर एक्नॉलेज तो करे ना पब्लिकली को मंता दे बाबा असी तां अणधुरिया थिया आहियो मौलाना साहब गॾु बीठा एक्नॉलेजमेंट आहे न एक्नॉलेज कल ताईं तव्हां चओ पिया त सिलेक्टर्स सिलेक्टर्स अॼु तव्हां चओ पिया त न सिलेक्टर्स जेके आहिनि अणधुरिया थिया आहिनि त ही एक्नॉलेजमेंट आहे ही मंता आहे सो आउं सम्झां थो त ही हिन हिसाब सां महसूसु इहो ई थिए थो त गिलानी साहब इहो बयानु मशावरत सां ऐं सलाह सां ॾिनो हो ठीकु आहे साहिब अॼु अञा पीपल्स पार्टी लीडरशिप इहो बयानु न पई ॾिए जी राणा सनाउल्ला भी कल थोड़े बे तरीके से एक जेस्चर दिनो है तो बाय इलेक्शंस में असा के एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत नजर ना आई है ये अगेन एक जेस्चर्स है तो अच्छा अगर तहां न पया विच में इमरान खान की धुर न पया थियो तो असी भी तहां के कल ताई पब्लिकली इल्ज़ाम हणी रहासी आज असी पब्लिकली तहां जे इन जेस्चर के इन रवैये के एक्नॉलेज कयूं पया या मनता दियूं पया
हल साहब अगते हली पो इन में या पक मिले थी तो अगते हली भी यही रहंदो अगर ये आहे त एस्टैब्लिशमेंट अगर अणधुरी थी सर दिसो अगते हली ये थींदो या न थींदो आई अणधुरे जो मतलब यो तो ना है त इमरान खान जो पासो मटायो हन पासे थी वई आ एस्टैब्लिशमेंट अणधुरे जो मतलब अणधुरे जी हां अने विच दे लेकिन गाली आहे त पो इन में यो भी थींदो आहे त या ता बई अजीब हो फिर आगे बोलूं नहीं रहने देते सो इन जो मतलब तड़ो तो ना कड़ी सी आई अणधुरे से मतलब गाली है तसो एक गाल हाँ यो को राज ना है त सवाए कुछ हफ्ता छड़े करे असानी एस्टैब्लिशमेंट ऑल आउट इमरान खान गवर्नमेंट के बैक कयो पब्लिकली अची बैक कयो मीडिया में अची बैक कयो त नहीं ठीक पे कर सो जाहिर है त अगर पो ही सजो जो को नरेटिव आई हने में पीडीएम जो तो पांजो मामलो आहे आई मुखे याद है जब पीडीएम ठही ही आई गालियों हनन एंटी एस्टैब्लिशमेंट नरेटिव ठायो हो तो मुडमल बता के चयो पे त जदे ही रोडन ते जलसन जुलूसन ते गालियों करण शुरू कंदा त पो जीटी रोड ते होटलन ते डेरन डेरा हुंदा जे को कचेरियों कंदा ड्राइंग रूमन ते उनन जी ओताकन ते ही जदे गुफ्तगू शुरू थिंदी ही एकड़ो प्रॉब्लम क्रिएट कंदी सो आई थिंक के वाइजली मतलब आऊं समझा तो हम पब्लिक ओपिनियन जो जीटी रोड जो पब्लिक ओपिनियन जो प्रेशर है जी हां सो इनमें बेसिकली अगेन नवाज लीग जी हां क्रेडिट गोज टू नवाज लीग आई एम नॉट सेइंग कि दे शुड बी क्रेडिटेड फॉर इट आऊं तो चाहे पियो ते एकड़ो जको जका गाल सोची पे तकरीबन उए जी हां ठीक है सब कॉलर ने स्वागत मोहम्मद आलम नुआणी गुलारचीमा जी नुआणी साहब छा चवण चाहिदा बयान पढ़ो इरादो नजर अचे तो जी हाँ बाकी वो जो कोर्ट के ऑर्डर से उन्होंने हल्द पे अरे सब अज अखबार में निकली खबर पड़ी त केपी में प्राइम मिनिस्टर साहब सभी के घुरा हो जैमें कुछ मू मिसिंग हुआ तो उन प्राइम मिनिस्टर उन गर्जाणी में प्राइम मिनिस्टर साहब जो एक बयान आया तो जैमें चवण लगा कि भाई अगर सब जी खपाइण वारा खपण वारा जो वे पार्टी छे वन तो मुख्य सवाल अच्छे जहन में अक्सर नाराज जी रहा उ या तो वोट अगेंस्ट कंदा या तो अगर खपी सके तो अड़ो ही को सिस्टम थी सके तो मकसद आ तो प्राइम मिनिस्टर साहब माना मफाहमती बिल्कुल सोच ना रखन न इमरान खान जी तो पोलिटिकली कुछ हाँ रो को अगर उन में यू टर्न वरतो तो मतलब मुफामत कई जो सो नरेटिव ठाए वेठा एनआरओ नहीं दूंगा एनआरओ नहीं दूंगा तो एनआरओ हो एनआरओ मतलब ये हो तो अपोजिशन के तुम पान सा गड अकोमोडेट कर सो हिंर जो नारो लगे पे तो मेंबर खपन खपन सो हाँ मेंबर खपन के सामू इमरान खान किए पो नरेटिव चेंज कर इमरान खान जो है वो बजत रहो छण तो ईदर वे उन पोलिटिकल वो थी वो मतलब ढो डैमेज थी वो अगर उन यो समझे तो खान साहब त अगर इन मरहल में उनकी हुकूमत हली वही तो उनके कुछ भी बुधायण ला न हों या तो को अरबे खरबे अरबे डॉलर वो कढ़ी वेठे या अपोजिशन जो मुबैना तौर पर हुआ वो भी न थो मान के रिलीफ भी न मिलो को मुल्क भी जो को आसमान से कोन पहुंची हो को कश्मीर भी ठीक न थी आखिर थो थो भी जाहिर न हो अढ़ाई साल लेकिन हाँ चवन था सही मुख्य अजा टाइम खपे त न तो अदरवाइज जितनी हु हाई मॉरल ग्राउंड से या एक असूलन की गाल कन था तो एतरे क्राइसिस का पो स्पेशली सेनेट के इलेक्शन में अगर इमरान खान साहब हारा वे तो आई थिंक ही शुड हिमसेल्फ कॉल फॉर फ्रेश इलेक्शंस ठीक ठीक आली साहब कॉलर ने स्वागत मोहम्मद अली पंवर मीरपुर खास में जी पवर साहब छा चवण चाहिंदा अगर सवाल का ही साहब तो सेनेट इलेक्शन का पो शायद बलदिया इलेक्शन जो ढोल वजे छह मार्च वाले के मतलब डिस्कस करने ला छह मार्च वो लॉन्ग मार्च सेनेट इलेक्शन का बलदियाती इलेक्शंस
अच्छा पर पहिरियां वज़ाहत कयां त इमरान ख़ान खे हू अगरि हुन हाई मॉरल ग्राउंड ते हिकिड़ी हुन उसूली ॻाल्हि करे वियो आहे त हुनखे इलेक्शन अनाउंस अगरि सेनेट इलेक्शन हाराए वञे थो त हुनखे करणु खपनि पर हू कंदो कोन मतिलबु लॻे नथो त हू कंदो ख़ान साहिब खे न त हुनखे अंदाज़ो आहे त हिन बाए इलेक्शन्स खां पोइ त अगरि हुन सां गॾु ग़ैबी मदद बि न आहे त हू सर्वाइव करे न सघंदा जीअं साईं बलदियाती इलेक्शन्स फ़िलहाल त ॾिसूं मार्च गुज़रे मार्च जो महीनो थोरो हाणे इंट्रस्टिंग थी वियो आहे इलेक्शन सेनेट जी बि आहे 26 मार्च ते लॉन्ग मार्च बि आहे त हींअर अप्रैल में डेट्स बि ॾिनल आहिनि जी बलदियाती इलेक्शन जा जेके डेट्स ॾिनल आहिनि अप्रैल में ॾिनल आहिनि पर ॾिसूं भले डेट्स कुझु बि ॾिनल हुजनि लेकिन ॾिसूं मुल्क किथे वञी बीहे थो मुल्क में अगरि नई चूंडनि जेको माहौल जुड़ी वञे थो पोइ किथां बलदियाती इलेक्शन्स कोन थींदा ठीकु आहे साहिबु ऐं साहिबु पोइ जीअं तव्हां चयो त प्राइम मिनिस्टर साहिबु जेको आहे इहो पंहिंजो हाई मॉरल ग्राउंड नथो छॾे छॾे छो दिस मतिलबु आख़िरी शइ प्राइम मिनिस्टर साहिबु वटि जेका बची आहे पंहिंजी सियासत खे बरक़रार करण लाइ पर पाकिस्तान में त जोड़ जक वारी सियासत हमेशह रही आहे ऐं किथे लहिबो किथे चढ़िबो इहो त हुजणु खपे का मॉरल ग्राउंड ते अहिड़ी हाई मॉरल ग्राउंड ते पाकिस्तान में सियासत अॼु ताईं किथे रही आहे ॾिसो हाणे उहो त वरी अगरि पाण पोस्टमार्टम कंदासीं न त हिन हाई मॉरल ग्राउंड ऐं तोड़ जोड़ हिन ते त पोइ भाई चौधरी साहिबान छा बसि साफ़ु हिननि त को इल्ज़ाम न हो जी इहे अॻु में इक़्तदार में न रहिया आहिनि क्यू लीग वारा जी डी ए वारा अॻु में इक़्तदार में न रहिया आहिनि एम क्यू एम वारा अॻु में इक़्तदार में न रहिया आहिनि ख़ुदि पी टी आई में केतिरा ई जेके हिननि जा चङा मुड़ुस आहिनि कुझु खे छॾे करे हू छा अॻु में इक़्तदार में न रहिया आहिनि छा पर हाणे उहा ई ॻाल्हि आहे त कहिड़ी वॉशिंग मशीन आहे जंहिंमां साफ़ु थी ऐं माण्हू धोए बि चमकाए बि थी वञे थो त उहा हिकिड़ी अलॻि बहस आहे लेकिन हू पंहिंजी हिकिड़ी ज़ाहिरी जेको पंहिंजो हू आहे फेस यानी सिंध मां जेके हाणे त हुनखे अबड़ो साहिब जी शइ नाहिल थी आहे वीचारा ॾिसो वीचारे टेक्नोक्रेट ते पूरो न थियो हा ठेकेदार न थींदो आहे टेक्नोक्रेट अच्छा सो उनखे ॾिसो त क्वेश्चन इहो आहे त छॾियो हाई मॉरल ग्राउंड ठीकु आहे सभु कॉलर सां गॾु नज़ीर अहमद शर नारो मां जी शर साहिबु छा चवणु चाहींदा सर अली खान सां इहो असांजो सवाल आहे त सर जेको आहे उस्तादनि खे पघारूं न पियूं रिलीज़ थियनि उस्ताद जेको आहे हाणे स्कूल बंदि करे वेठा आहिनि त असां एहतजाज कया नर्शे कई आहे ऐं असांजा ॿार जेको दर पधर आहिनि कंपनी जेको आहे सो हुनखे पघारूं रिलीज़ न पई करे उस्ताद शायदि को निजी को ऑयल एंड गैस कंपनी हूंदी साईं शर साहिबु ॿुधी हूंदी तव्हांजी आवाज़ होप त होपफुली त डी सी हिन में इन्वॉल्व थींदो पर यार इहो पाणी दुनिया जी किसाब हलनि था लेकिन हींअर पंहिंजो शो शुरू थियण खां पहिरीं मूं टाइम ते ॾिठो पिए त हीअ को बिरादरीअनि जो को जिरगो थियो आहे को मज़ारी ऐं मीराणी बिरादरी जा को ऐं हुनजो मूं हिसाबु ॿुधो पिए त हेतिरो ॾंड 60 लख हिकिड़ी धुर ते पियो 30 लख ॿिए ते पियो पोइ 30 जेको आहे उहो माइनस थी विया रिमेनिंग 30 लख फलाणी धुर खे मिलंदा त मूं सोचियो पिए त जेको मज़ारी ॿारु यतीम थियो हूंदो या जेको मीराणी ॿारु यतीम थिया हूंदा थियो हूंदो या जेका ख़ातून बेवा थियूं हूंदियूं हुन मडर्स जे करे जिन्हनि माइरनि चाहे मज़ारी वालदा हुजे चाहे मीराणी वालदा माउ हुजे त ही जेको तोड़ जोड़ थियो पोइ खीर खंड थी विया भाकरूं पइजी वियूं माना कातिलनि खे क़तल फबी आहे हू माइरूं रोईंदियूं रहनि सॼी ज़िंदगी हू जेके बेवा थी वियूं हू सॼी ज़िंदगी उनमें रहनि हू ॿार जेकी यतीम थी विया हीअ काथो छा काटू ऐं माइनस प्लस माइनस कंदा रहिजी विया इहो थियो जिरगो पुलिस वारनि डी आई जी साहिबु वेठा हुयो एक्स डी आई जी ऐं न त ठीकु आहे हू त चवंदासीं असां त ख़ैरु करायो आहे मूंखे उन सां एतिराज़ु न आहे ऐं चवां थो हीअ फ़ैसिला छा आहिनि त बरादरी खे 30 लख मिलंदा बरादरी खे छाजे लाइ मिलंदा ऐं हो छा हिकिड़े मतिलबु पोइ हीउ प्लस माइनस थी वेंदो अगरि हिकिड़ो ॿियो ॿी धुर मारे छॾी आहे त 0-0 थी वञे छा यार असां कहिड़े दौर में रहूं था कहिड़ी 1900 में रहूं था जो असां वटि माइरनि जा बच्चा ईअं बरादरीनि जे नाले ते कुसजी वञनि था ॿार यतीम थी वञनि था औरतूं बेवा थी वञनि थियूं पोइ आख़िर में भई जिरगा थियनि था सो ॾाढी अफ़सोस तव्हां की ख़ैर माण्हू चवंदा काई सां हरू जज़्बाती रोज़ु थिए थो बिल्कुलु रोज़ु थिए थो पर जॾहिं बि ॾिसां थो त मूंखे ॾुखु थिए थो ऐं पोइ हीअ जेके हू हिसाबु किताबु लॻायो मैथमेटिक्स थिए थी न कैलकुलेट हा बाबा तोते अच्छा तूं 35 लख जो माण्हू मारियो आहे तूं 40 लख जो माण्हू मारियो आहे अच्छा 5 लख हिते विया 10 लख बाक़ी तोखे पोइ हिन सरदारनि जा ख़र्चु पोइ हिन जिरगनि जा ख़र्चु आख़िर में हुन बेवा खे
या हुनजे बारन के त टको भी कोन मिलतो आ मिलिया बेला न मिलिया वो खबर भी न मुंगे जी ठीक आली साहब सब जी जी सब गाल क्यों पता पीटीआई जको यो मौके पंजो आने बरकरार रखंदी जको पंजो आए मरु ग्लाउड ते रहण जो पर मान बटिया रिलाय करे थी पई हन वक्त सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस जे मथा इन जो मकसद ये सब जको सुप्रीम कोर्ट जो रेफरेंस आए त अज एजी साहब जको अटॉर्नी जनरल रेफरेंस जे दौरान अटॉर्नी जनरल साहब जो चवण अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल प्रोविंसेस या फेडरल वाले चयो फेडरल वाले अटॉर्नी जनरल साहब चवन था त अगर 3 मार्च ते माना सॉरी सुबह अगर रेफरेंस जो फैसलो ना दियो तो 3 मार्च ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नथी कराए सके न डिले करना पौंदा तो उन चीफ जस्टिस साहब जो चवण तो असके फोर्स ना कर सको छो रेफरेंस आ एडवाइजरी देनी आ तो फोर्स नथो थी सके पर पो भी सुबह जो वे तकरीबन जो भी धुरी टोटली धुरी जो भी अगेंस्ट इन उन्होंने सभी के चाहिए तो अद अद कलाक में पाँचा दलायल मुकमल कौन हाँ होपफुली ही जो भी एडवाइस देनी है सुप्रीम कोर्ट के दई छी लेकिन अगर जो है वो एक्ट में तरमीम आए तो उन ऑर्डिनेंस मौजूद है उन्हें देर न लगंदी सो हाँ अदालती मामलो है या से पा गाल भले फैसलो एडवाइस अची वे पर गाल ये तो हि जो गाल बार बार अदालत के रिमार्क्स में जज साहबान जहा अचन था जुमला तो भाई को विच वालों रस्तों निकरण खपे हाँ एडवाइस तो यह घुरी न वही को निबेरो तो न हो निबेरो ये निबेरे लाए तो गुजारिश न कई वही गुजारिश तो कई वही तो असा चिटाई कर ही आइन में तरमीम से या ही इलेक्शन रूल्स में तरमीम से सो बाकी वसवारा सुप्रीम कोर्ट है वसवारी है ठीक है साहब कॉलर सा गड उमर सियाल हुसड़ी मां जी सियाल साहब क्या चवन चाहिंदा जी अस्सलाम वालेकुम सलाम सर मुझे अलीगढ़ साहब का यो सवाल है त अमेरिकी सदर जो बाइडन जे सदर मुंतखब थेण खां पोए अफगानिस्तान अमन ते केड़ो असर पवंदो ऐं पाकिस्तान ते बराह रास्त केड़ो पॉलिसी जो नज़र इन ते रहंदो ठीकु आहे सर साहब सर साहब अञा वक़्त सां हलणु ॾियो ॾिसो शयूं कीअं थियूं थियनि ईरान ॾे कुझु नरमी निखारी आहे अमरीका बहादुर हिन नई इंतिज़ामिया चाइना सां ॾिसूं कीअं मामलात पंहिंजा करे थी ऐं अगरि फ़िलहाल त हुननि शायदि नैटो वारा त चवनि था त असीं तकड़ि में कोन निकिरंदासीं अफ़गानिस्तान मां अगरि हू न निकिरंदा त तालिबान वरी पुरतशदुद कारवाई शुरू कंदी माना अमेरिका ऐं तालिबान जो जेको ठा पाकिस्तान वरी महिनत सां ऐं वॾी कोशिशि सां करायो उहो ठा टुटी पवंदो त पोइ ज़ाहिर पाकिस्तान जी वरी हिकिड़ी ऑकवर्ड पोज़िशन में अची वेंदासीं हू चवंदा त तव्हां हिते लेकिन हाणे उमेदु आहे त हीअ जेके असीं बॉर्डर सील कयूं पिया अफ़गानिस्तान सां फेंसिंग जेका थिए पई फेंसिंग जेका थिए पई मुंहिंजे ख़्याल में 80% थी वई आहे 70-80% थी वई आहे इहो असां इनशाला जल्दी करे वेंदासीं त ऐं बॉर्डर्स खे थोरो सख़्ती कंदासीं पर मसिलो इहो आहे त भले ही जेको फेंसिंग थी बि वञे पर असां वटि त अफ़गान पाकिस्तान में अचणु वञणु त ईअं हूंदो आहे ॼण को मसलो ही कोन्हे रोज़ अलाए किथे हज़ारे माण्हू हिते इलाज लाइ तालीम लाइ रोज़गार लाइ पाकिस्तान अचनि था वरी शाम जो मोटी वञनि था ॾुखियो थींदो लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ते वरी पोइ हिकिड़ो नओं प्रेशर क्रिएट थी वेंदो ठीकु आहे साहबु अच्छा पाण इहो जीअं हाणे साईं जो बि सवालु इंटरनेशनली त हुन ते हिसाब सां अगरि कंटिन्यू कजे अॼु प्राइम मिनिस्टर साहबु जेके आहिनि उहे श्रीलंका विया आहिनि पंहिंजे मेडियन विज़िट ते पहिरियों विज़िट आहे हुननि जो त हिकिड़ो इहो नॉर्मल विज़िट सम्झजे जेको प्राइम मिनिस्टर साहबु करे थो या इनखे किथे हुन सां जोड़े सघिजे थो जेको अमेरिका क्वाड जेको ठाहे थो पियो चारि कंट्रीज़ जो जेको ऑस्ट्रेलिया त विच में श्रीलंका त अचे थो पियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन त श्रीलंका जी हिन हिसाब सां वॾी इंपॉर्टेंट थिए थी श्रीलंकन ते अगेन चाइना जी भी इन्वेस्टमेंट थियल है जी हाँ सो चाइना जिथे जिथे इन्वेस्टमेंट मतलब हर किस्म की इन्वेस्टमेंट थियल है श्रीलंका में बांग्लादेश में भी थे पी इनकर बांग्लादेश सो जिथे जिथे खिते में जो है वो चाइना जो फुटप्रिंट्स हैं या चाइना जो थोड़ो घणो असर रसूख है तो उते हु पाकिस्तान के भी स्पेस वठी दे पियो वरना हाँ श्रीलंका से श्रीलंका से वन से पाकिस्तान जो हाँ इन कड़ो असि को ट्रेड है न को सवा क्रिकेट मैच खेल के यो तो को घो कुछ को लेकिन बहर भाई खान साहब के भी तो परेशानी होंगी 2.5 साल थे अस को फॉरन ट्रिप्स फॉरन डिप्लोमेसी तो घनी नजर ना आई पा कंदे का नजर ना आई बस वगैरह फोरम्स यूएन वगैरह भी गाल फॉरम वगैरह ठीक है सब अच्छा सब सेनेट इलेक्शन से पाँच वापस अचूँ तो फैसल वाडवा साहब इन थी वह जी अस पा गाल सैफुल आबड़ो साहब रिजेक्ट थे सिंध में फैसल वाडवा साहब इन थी वह पर पंजाब में परवेज रशीद साहब रिजेक्ट थी जैसे इल्ज़ाम लगो तो 95 लख रुपये जो पंजाब हाउस जो पे हो रहा किरायो रहा माना एक किस्म जो और परेज रशीद साहब चवन था तो यो रजिस्टर ही गलत ठाया वो
सही आणो तो खुदा खबर रजिस्टर गलत थियो न पर हिंजो जको एकड़ो थियो त ही ब सेनेटर्स तमाम घणो वोकल हुआ नवाज लीग जा जी एकड़ो ही परवेज रशीद साहब एकड़ा मुशाहिदुल्ला खान साहब मुशाहिदुल्ला खान साहब जी विचारे जी टियो चौथो दिन डेथ थी वई सो हाँ सेनेट में उन जो आवाज भी न होंद हाँ शेख परवेज रशीद जो भी न होंद है लेकिन जिथा तहां शो शुरू कयो हो त बेसिकली जो पीटीआई के अंदर रैंक एंड फाइल में जो तोड़फोड़ जिथा तक यारमन रिंद साहब जो भी जिक्र किया इतने तो गाल ये जो बलोचिस्तान ज पॉलिटिक्स या डायनेमिक्स हैं गाल के उन तो मुझे गाल कुछ है को गाल के अगत पो तो जो डायनेमिक्स बलोचिस्तान जो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है उतने फर्द मैटर करे तो सदा यारमन रिंद आए तक बस सुठो कर खराब कर उत ही हलन रहे तो सिंध में लियाकत जतोई साहब तो अग में भी पीटीआई का थोड़ो पासीरो थी वो संदस भा सदाकत जतोई वरी भी हों लेकिन वो कर अगर पीटीआई वाकई में को भी लिफ्ट नहीं कराए हुआ अमीर पेश भुट्टो साहब हुआ वो तो इस्तीफा दी घर वही रहा जी हाँ लियाकत जतोई साहब को पांच शायद पार्टी ठाए वरती है कुछ ही है लेकिन आखिर ही सब मानू किथे वन जीडीए में भी को हु ना है सो हाँ सब इंतजार कंदा हुंदा तो इलेक्शन्स थियन जनरल इलेक्शन्स थियन पर जनरल इलेक्शन्स में भी गाल यह हुंदी तो बेसिकली अगर जी गैबी ताकतू आन हु न्यूट्रल रहंदियों तो पो ही गाल जी आऊं नवाज लीग ला इलाही अग गाल कंदोस तो पंजाब में जैनी थोड़ी भी फ्री फेयर इलेक्शन थिया उन नवाज लीग धोए दींदी पंजाब के आऊं ताके सिंध ला सिर्फ एतरी गाल करे सका तो जो मुझे असेसमेंट आ तो अगर सिंध में फेयर इलेक्शन थी या निस्बतन तो पीपल्स पार्टी भले सामू को वो इतिहाद या को पार्टी मौजूद न हुए लेकिन आऊं समझा तो सिंध में कॉन्स्टिट्युएंसी वाइज पीपल्स पार्टी के टफ टाइम नजर इंदो छकण तो इन दफे मानू जो सो सिलसिलो हलन आयो 12-13 साल का इन दफे कॉन्स्टिट्युएंसी वाइज पीपल्स पार्टी लाए मुश्किल सूरत पैदा थी सके थी अल सब जी जनरल इलेक्शन तेज कर पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश होंगी तो हे जनरल इलेक्शन न थियन को कौमी असेंबली में इमरान खान साहब के फारिग कर छजे फेडरल हुकूमत में भी कुछ हिस्सों बटे वजारतू चार वजारतू मिली वन सिंध भी बरकरार रहे अढ़ाई साल दिसा माना माना अगर जो तीन गाल अगर कंक्लूजन कर सही हो गलत हो बुझा तो माना पीटीआई पीपल्स पार्टी पॉपुलर वोट लूज कर चुक्यू सिवाय पी एम एल एन ये न चवंदस तो पीपल्स पार्टी ए पीटीआई खत्म कर चुक्यू बट डेफिनेटली लूज कर इनमें देखो हाँ ऐसो भले बाय इलेक्शन्स हाँ केर मुख्य चे बाय इलेक्शन्स में तो ये न थो पीपल्स पार्टी के वधिक वोट मिलो सामू केर हुआ पंजाब में हुन गेन कयो आ नवाज लीग पीटीआई लूज कयो आ तो बावजूद हुकूमत हुई पीटीआई जी नवाज लीग खटी आते इतने अगर को वरी चाह तो शर्त यो है अगर फेयर इलेक्शन थिया तो सरप्राइज सिंध में भी मिलता सिंध में मिलता और पीपल्स पार्टी के मिलता ठीक है अली साहब वरी मेहरबानी अली साहब नाजरीन अज के प्रोग्राम जो पूरा थो वरी मिलता इंदड़ प्रोग्राम में दुआ में।